दरगाह थाना पुलिस ने किया रेस्क्यू, बाल श्रम कराते हुए दो आरोपी गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर एससी एसटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए भागलपुर से लापता नाबालिग को उसके परिजनों से मिलवाया है और इसी के साथ ही नाबालिग से काम कराने वाले होटल संचालक व उसके नौकर को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए दरगाह थाना प्रभारी रामेंद्र हाड़ा ने बताया कि लॉकडाउन से पहले बच्चा दरगाह शरीफ घूमने आया था और इसी दौरान लॉकडाउन लगने के चलते वह यहीं पर रह गया और मौका देकर आमिर गेस्ट हाउस के संचालक तौफीक ने उसे अपने घर पर रखने की बात कहते हुए उसे कई यातनाएँ दी और बालश्रम भी करवाया। इस मामले की सूचना पर पुलिस ने बच्चे को मुक्त कराते हुए तौफीक और उसके नौकर मौलाना सबीर खान पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच की जा रही है। वह इस मामले में नाबालिग को उसके परिजन आने पर चाइल्डलाइन को सुपुर्द कर दिया गया है। दरगाह थाने पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन के अनुसार आज के सप्ताह भर पहले यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देख के मुझे निर्देश दिए गए थे कि उस वीडियो में जो एक माता थी वो अपने लापता बालक को लेकर गुहार लगा रही थी, वो जो माता थी वो बिहार भागलपुर की रहने वाली थी। उस वीडियो फुटेज और दिशा निर्देश के आधार पर मैंने उसके बिछड़े बालक को तलाश करने के लिए दरगाह में एक कमेटी का गठन किया और उस टीम ने अपने पूरे जो सारे होटल्स थे उनकी सबकी लिस्ट तैयार की, ढाबों की लिस्ट तैयार की और उसके पश्चात जितने भी वहाँ रहने वाले बालक थे उन सब बालकों की एक लिस्ट तैयार की और लिस्ट के अंदर हमने विश्लेषण करके अंतोगत्वा उस माता का जो बालक था उसको हमने दस्तयाब किया, रेस्क्यू किया। उसने अपने पूछताछ में ये बताया कि उर्स के दौरान वो ज़ियारत करने आया था और अचानक लॉकडाउन लगने के कारण वो वापस अपने घर नहीं पहुंच सका, जिसे यहाँ के रहने वाले खादिम तौफीक ने अपने घर ले गया और वहाँ उसे बालश्रम करवाया। उसका बालश्रम करने के दौरान वहाँ पर एक मौलाना समीर करके व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने उसके साथ ज़्यादतियाँ की, उसके जो शरीर थे उस पर पुराने ज़ख्म हैं जिनका हमने मेडिकल कराया है और उस बालक को अभी CWC को हमने चाइल्डलाइन के मार्फत सुपुर्द किया है, जहां उसका मेडिकल करवाने के पश्चात उसको शेल्टर होम में रखा गया है। उसके माता पिता को हमने इतला दे दी है, अतिशीघ्र बिहार हबीबपुर थाने से वहाँ का जाब्ता उसके माता पिता को लेकर अजमेर पहुँचेगा और अपने बालक को अपने कब्जे में।